ये स्थिति खेती में है। हमारी मूल बात है, मूल हमारे यहां हक है, अधिकार है, उसके संदर्भ में हम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जो हमारी बात होगी उसमें हंसी उड़ाएंगे, और जिस बात से अपना कोई जुड़ाव नहीं रहेगा वो बातें सबसे ज्यादा होगी। दुनिया करे वो अलग बात है, अपन लोग भी वो बातें करें। भूत नहीं आई, चोटी कटी, तिरकी लगी, उन बातों का कोई आधार नहीं। कुछ तरह की बातें अपन लोग कर रहे हैं, जो अपने से भूल, जो अपनी बात है, हक है, आज शुगर के माध्यम से क्या हालात हो गए। एक हिरण खत्म हो जाता है तो बवाल मचता है, क्योंकि भावना जुड़ी हुई है। आज ये शुगर बाड़मेर जिले में सालाना कितने हिरण खत्म हो रहे हैं शुगरों के कारण, वो अपन सब लोगों को बताओ। उन शुगरों को अपन अपने खेतों के अंदर रोकने के लिए अपने पास कोई विकल्प नहीं है। कितनी भी बाड़े अपन बना रहे हैं, बाड़ों के अंदर से वो शुगर आ जाते हैं। तो हम अपने पास आखिरी विकल्प क्या है? झटका मशीन। एक तो वो झटका मशीन 15,000-20,000 की मशीन है, वो चोरियां हो रही है। कितनी झटका मशीनें चोरी हुई, और चोरी और कोई नहीं कर रहे, अपने यहां के लोग ही कर रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है? वो नशा। 15,000 की वो झटका मशीन से कुछ नशा कैसे प्राप्त हो सके, और आज वो नशा जिसके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते, वो नशा अपनी गाड़ी में आ चुका। आज इस बाड़मेर के ऊपर वो कलंक लग चुका। हथियार की फैक्ट्री बाड़मेर जिले के अंदर, नशे की फैक्ट्री बाड़मेर जिले के अंदर, अगर अपन लोग नहीं रोकेंगे तो अपना भविष्य अपने आप ही इस तरह की फैक्ट्री रूप लेगी। ये जो अपन लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये ताकत है, ये व्यवस्था रोक रही है, उसके संदर्भ में हम लोगों को जागरूक होकर और एकजुट होकर इनको रोकने के बस अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा माहौल रखें, कदर कायदा रखें और जागरूक रहें, अच्छी संस्कार प्राप्त करें। संस्कार क्या है? जिस तरह की सोच अपन रखेंगे, भाषा अपन लोग करेंगे, जो व्यवहार अपन लोग करेंगे वो भी वो बच्चे सीखेंगे। और बातें बड़ी कुछ नहीं है, बड़ी बातें तो पूरी की पूरी व्यवस्थाओं के ऊपर से निकलती है। छोटी से छोटी बातों के माध्यम से ही अपन इस देश में योगदान कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का देश उन छोटी बातों से ही आगे बढ़ा। जापान जैसा देश जो पूरा तबाह हो गया, तो जापान के लोगों ने तय किया कि छोटी छोटी बातों से हम लोग कैसे अपने जीवन के अंदर योगदान कर सकते हैं। इन बच्चों को स्कूल के बाद में जब ये घर आए तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके छोटी से छोटी बात के लिए उनको प्रोत्साहित करें, व्यवस्थित करें। जूते कैसे खोलकर रखते हैं इस बात को भी अपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो अपना खुद का बैग कैसे रखते हैं, किताबें कैसे रखते हैं, लाड कोड के अंदर अपन कहते हैं कि नहीं, मां अपने आप बिस्तर समेट लेंगे, उसमें अपन बच्चे का भला नहीं कर रहे। बच्चे के किस प्रकार से इस तरह की हैबिट बनेगी, सुबह उठते पर शुरुआत में वो व्यवस्थित ढंग से अपना बिस्तर कैसे समेट लें। ये वैज्ञानिक शोध कहती है कि जो परिवार में जो बच्चे हैं अपना बिस्तर समेटते हैं, उसको वो जीवन के अंदर व्यवस्थित जीवन जीते। ये छोटी छोटी बातें लगती है, ये छोटी बातें नहीं है, ये बातें अपन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन बातों से ही अपन अपने बच्चों को बड़ा भविष्य किए। और योग्यता में कोई कमी नहीं है। भ्रांत के अंदर एक भ्रम भ्रांति अपन लोगों ने एक मिथ्य पाला हुआ है कि जमाना ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, बच्चियों को अपन बाहर कैसे भेजें। ये सिर्फ और सिर्फ कुतर्क है। अगर बच्चे को और बच्ची को अच्छे संस्कार देंगे तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो अपना नाम रोशन करेंगे, और संस्कार नहीं देंगे तो कितनी ढाणी के अंदर अपन उनको रोड कर रखेंगे तो वो भी अपना नाम रोशन नहीं करेंगे। तो बच्चे और बच्चियों में भेदभाव अपन कम करें, इंसान के इंसान के बीच में अपन समानता रखें, और सबको कैसे आगे बढ़ाएं। एक भी हीरे की ढाणी के अंदर मुर्दाबाद हो जाएगी तो वे हीरे की ढाणी की जिंदाबाद नहीं होगी। हीरे की ढाणी में एक ही व्यक्ति पीछे नहीं रहे, ये जिम्मेवारी अपनी और ये अपने पूर्वजों की परंपरा। खेत में खेती करने से पहले हल पर हाथ रखने से पहले अपने पूर्वज
पशु के लिए मांगते थे, पक्षी के लिए मांगते थे, गांव के गरीब के लिए मांगते थे। ये अपनी परंपरा है। इस परंपरा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और अपन लोगों के जो अच्छी चीज हुई है उसको भी अपनी चर्चा करनी चाहिए। जो विद्यालय शिक्षा, स्कूल की शिक्षा बाड़मेर जिले के अंदर पिछले 20-25 सालों के अंदर उसमें सुधार बहुत आया है, और कैसे सुधार सकते हैं ये अपन सब लोगों की जिम्मेवारी है। उच्च शिक्षा राजस्थान में लगभग खत्म हो गई। आज हवा के अंदर नमी बड़ी है, वृक्ष अपने यहां बढ़े। मैं दो दिन पहले भाईतू चिमन जी के अंदर भांगड़ों के वहां बैठने गया, ऐसी चर्चा हुई कि भाईतू चिमन जी के अंदर सिर्फ चार ढाड़ियों के अंदर नीम थी, और हम लोग जिस गुडाल में बैठे थे बाहर देख रहे हैं 10 नीम कुछ गुडाल के दरवाजे से हम लोगों को दिख रहे हैं। वृक्ष ज्यादा से ज्यादा कैसे लगाए, और जो अपने हक की बात है, अपने फायदे की बात है, आज टाकों के माध्यम से 1,00,000 टाके नरेगा के माध्यम से बाड़मेर जिले में अपन ही आपस में बात कर रहे हैं। टाका में तो सरपंच लावल ले रहे हैं कि सरपंच हिसाब कितना 5 साल के लगाएंगे, तो इनका जी जानता है कि लावा कितने लिए। जिस टाके के माध्यम से अपने को मदद मिल रही है 1,00,000 टाके, मैं हिंदुस्तान में बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं। आज जो ग्रेवल सड़क के माध्यम से अपने ढाणियों में हर किसी के पास तो तालर के खेत पाती आई नहीं है। हमारे परिवार जैसे भी बहुमत के अंदर परिवार है जिनके धोरे में खेत है, उन धोरों के अंदर पहले जा पाते थे नहीं जा पाते थे, तो ये जो ग्रेवल की सड़क है, इस तरह की जो भी व्यवस्था जिससे अपन लोगों को मदद मिल सकती है, अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके, ये अपन लोगों की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमें तय दिल से जिले के ढाणी के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव बहुत होते हैं, पर ये एक अलग चुनाव था, एक सोच का चुनाव था, विचारधारा का चुनाव था। एक तरफ कोशिश करी जा रही थी जो पीढ़ियों से हम लोग साथ में रह रहे थे उनके बीच में जहर घोलने का, और दूसरी सोच क्या मजबूती से आप लोगों ने सहयोग किया। उमेदाराम धन्यवाद जी को आपने जिताया, तय दिल से इन्हें के दानी को तमाम लोगों को धन्यवाद कि इस सोच को, इस लक्ष्य को आप लोगों ने समझा, और उस सोच को जो अपन के बीच में जहर फैलानी चाहती थी, भाई को भाई से दूर हटाना चाहती थी, उसको आपने हराया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद हरीश जी साहब। जिसको विधायक बनाना चाहते थे यहाँ के ये युवा नौजवान, वो आज हरीश जी की बगल में दिल्ली के सांसद बने बैठे हैं। बहुत खुशी के पल, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मतदाताओं का कि आपने विधायक न बना करके सांसद बना दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान उमेदराम जी से कि आप आए और हमें इन खिलाड़ियों को आशीर्वचन दें। श्रीमान उमेदराम जी, और साथ ही साहब से नेते रहेगा, हाँ पधार है मंच पे, और हमारे यहाँ के पत्रकार हैं हरकाराम जी को शपथ पहना के स्वागत करेंगे, चलते हुए कर देंगे साहब। हरकाराम जी, दैनिक भास्कर पत्रकार, चंदन जी चौधरी पत्रकार, आसुराम जी मेघवाल को भी शपथ पहना के स्वागत करें श्रीमान एमपी साहब। खेल मैदान के लिए बहुत काम किया सुराम जी ने, दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, तो आप भी सम्मान के हकदार हैं सुराम जी। बहुत खुशी के पल, बहुत गर्व का विषय कि हमारी हीरा पिंडाणी विद्यालय के विद्यार्थी अभी सांसद के रूप में संबोधन देंगे श्रीमान उमेदराम जी का। आज हीरा की डाणी के अंदर कबड्डी प्रतियोगिता छात्र वर्ग 17 और 19 वर्ष प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय भाई के विधायक श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब, आपने बाड़मेर बालोतरा के जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी साहब, आपने प्रधान प्रतिनिधि एक बार राम जी देगा, पूर्व प्रधान
लक्ष्मण जी, जसराज जी, गोकल जी और मंगनाराम जी, खेताराम जी, भक्ताराम जी, मेरे गुरु जी ने चन्नाराम जी, नरजी थोरी, भक्तू जी, सरपंच खोक्सर, नरपत जी, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य रहते हो, भुलाराम जी सरपंच रहते हो, दाई देवी जी, समस्त मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथिगण, शिक्षा विभाग से अधिकारीगण, विद्यालय स्टाफ, समस्त दल प्रभारीगण, समस्त निर्णायक दलगण और गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुले बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरे विद्यालय टाइम से रहे सहपाठी साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी बदौलत ये शानदार जानदार प्रोग्राम का आयोजन हुआ। मैं सर्वज्ञ वृद्धाराम जी की आत्मा को आत्मा के सम्मुख में नमन करता हूँ। उनकी कमी हमेशा अपने को खिलेगी। वृद्धाराम जी और लक्ष्मण जी, इनकी जोड़ी हुआ करती थी जब मैं यहाँ स्कूल के अंदर पढ़ता था, तब से लेकर आज दिन तक मुझे पूरी तरीके से याद है और उन्हीं के प्रयासों से हीरा की ढाणी गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है। ये खेल के मैदान, ये जो सरकारी संस्थाओं के लिए पहले से जमीन और उस दौरे के ऊपर बड़ी सी डिग्गी, उससे पहले उधर वाले दौरे के ऊपर बड़ी डिग्गी हुआ करती थी, ये उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम था। उन्होंने गांव के विकास के लिए 33 गांव के लोगों को साथ में लेकर चले और हीरा की ढाणी का नाम पूरे बाड़मेर जिले के अंदर हमेशा अग्रणी में रहा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में हो, हमेशा हीरा की ढाणी के किसानों ने, युवाओं ने अपना भरपूर योगदान दिया। और जब मैं यहाँ 93 के अंदर 92 और 93 में पढ़ता था, तब गोकर जी, दाई जी, बिरसाराम जी, सब लक्ष्मण जी, मुझे सताराम जी खोदर मुझे अपने बच्चे के समान यहाँ रखते थे। कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई और मैंने हमेशा पुण्यवतला और हीरा की रानी में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया और हमेशा यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे आप लोगों के साथ में मिलकर बहुत ही अपनापन महसूस होता है और आपने हमेशा मुझे अपना समझा और जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो आपने बहुत ही एक तरफा सहयोग भी किया। और युवाओं की बात हो रही थी, अभी मोटाराम जी बता रहे थे, प्रयास खूब था लेकिन ये जोग संजोग था।